नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बात करेंगे बहराइच की अधिवक्ता की हत्या के मामले में, पत्नी व दो अन्य निकले हत्यारे, प्रेस नोट थाना दरगाह शरीफ बहराइच। रविवार की रात को सोते समय अधिवक्ता की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी, पुलिस टीम ने किया खुलासा। मुकदमा अपराध संख्या 341/2022, धारा 302/34 भारतीय दंड विधान व 4/25 आम सेक्ट से संबंधित एक नकर महिला। अभियुक्त दो नफर अभियुक्त गिरफ्तार, दिनांक 17/10/2022। 16 अक्टूबर 2022 को जमील कॉलोनी मीरपुर कस्बा सलारगंज में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सेवा उर्फ इंतजारुल हक पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद इनामुल हक के चेहरा, सरगर्दन, दोनों हाथों की उंगलियों पर धारदार हथियार से मारकर हत्या करने के संबंध में स्थानीय मुकदमा अपराध संख्या 341/22 धारा 302 भारतीय दंड विधान पंजीकृत हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच द्वारा टीम गठित कर सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के निर्देशन में सफल अनावरण करते हुए उपयुक्त अभियुक्ता नुसरत जहां उर्फ गुलशन, पत्नी इंतजारुल हक, उम्र 30 वर्ष, निवासी जमीन करोली कस्बा मीरपुर सलारगंज थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच, उपयुक्त नदी महमद शेख पुत्र नसीम अहमद, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी मुसल्लमपुर थाना राम गांव जनपद बहराइच। तीसरा दाऊद पुत्र यासीन, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी काजीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच को दिनांक 17/10/2022 को गिरफ्तार कर लिया गया। नुसरत जहां उर्फ गुलशुम, पत्नी इंतजारुल हक, उम्र 30 वर्ष, जमीन कॉलोनी कस्बा मीरपुर सलारगंज थाना दरगाह शरीफ बहराइच। अभियुक्त नदीम अहमद शेख पुत्र नसीम अहमद, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी मुसल्लमपुर थाना रामगांव जनपद बहराइच। दाऊद पुत्र यासीन, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी काजीपुरा थाना कोतवाली जनपद बहराइच। आपको बता दें गिरफ्तारीकर्ता पुलिस टीम ने हैं वरिष्ठ उप निरीक्षक राजेश्वर सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक नितिन उपाध्याय, उप निरीक्षक दीवान असलम, उप निरीक्षक अनु त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल साहब सिंह, कांस्टेबल मनीष, कांस्टेबल नरोत्तम, कांस्टेबल सुबोध, थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच। संवाददाता विनय कुमार पांडे।